चलिए अब हम हमारे सराउंडिंग में होने वाले कुछ लाइट से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। अब हम एक रेनबो बनता हुआ देखते हैं। आपने देखा होगा जब भी रेनबो बनता है तो वो आपके सामने की तरफ होता है और उस समय सूरज आपके पीछे की तरफ होता है और सामने की साइड कहीं पर बारिश हो रही होती है। रेनबो लाइट के डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब लाइट रे पानी की बूंद में एंटर होती है तो प्रिज्म की तरह पानी में डिस्पर्स हो जाती है। अब यदि इसका डिस्पर्जन के बाद नेक्स्ट सतह पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस केस में वॉयलेट लाइट अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री एंगल से डिविएट होती है एंड रेड लाइट अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के एंगल से डिविएट होती है। इसी तरह जब बहुत सारी बूंदों से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर लाइट हमारे पास पहुंचती है तो हमें रेनबो बना हुआ दिखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ने कभी सोचा है आकाश नीला क्यों दिखता है? इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। जब लाइट वेव्स किसी मीडियम में पास होती हैं एंड उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर का हो तो लाइट इन पार्टिकल से कोलाइड कर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। रेले नाइम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि पार्टिकल्स का डायमीटर अगर लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा हो तो लाइट स्कैटर करती है और वो स्कैटरिंग 1/λ^4 के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम कह सकते हैं कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी एंड रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, परंतु वॉयलेट लाइट की विजिबिलिटी ब्लू लाइट से कम होती है, इसलिए हमको स्कैटरिंग के कारण स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। अब आपने देखा होगा कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर आसमान रेडिश नजर आता है, तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है जब लाइट रे सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, इसलिए ज्यादा स्कैटर होने वाली लाइट रेस स्कैटर होकर बिखर जाती हैं, जबकि कम स्कैटर होने वाली रेड लाइट हमारी आईज तक पहुंचती हैं। इसलिए सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर स्काई रेडिश दिखाई देता है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।